नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। न्यूज फ्रंट सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे राष्ट्र खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ साथ इस बार अभिभावकों और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे। पीएम आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम में इस बार विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी हिस्सा बनने वाले हैं। इस बार अन्य देशों के छात्र भी कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा पे वह परीक्षाओं से जुड़े सभी पहलुओं, विशेष रूप से तनाव रहित परीक्षा के संबंध में अपने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। ओडिशा में शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह सबसे पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वे उत्कल और मधुसूदन दास के जन्म स्थान जाएंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कटक में विशाल कार्यकर्ता समावेश को संबोधित करेंगे। शाह पश्चिम बंगाल में पूर्वा मेदिनीपुर जिले के कांथी रेलवे स्टेशन रोड मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में संकल्पा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी कांग्रेस के प्रदेश संसदीय बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक में प्रदेश की कुल 48 सीटों में से कांग्रेस की 26 पर और राकांपा के 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। आज से होने वाले कांग्रेस बोर्ड की बैठक में राज्य की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। आज मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटों के लिए नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं विदर्भ और मुंबई के लिए नाम बैठक के दूसरे दिन 30 जनवरी को तय किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर मामले में आज होने वाली सुनवाई टलने से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में रोष है। इसके साथ तमाम साधु संत इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज इस संबंध में कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई टलने के बाद भी पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म संसद में धर्माचार्यों की मौजूदगी में तय किया जाएगा और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू किया जाएगा। विहिप की धर्म संसद 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुंभनगर में आयोजित है। इसके आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से विहिप शिविर में तैयारी की जा रही है। 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओली में हाड़कंपा देने वाली ठंड में इन दिनों भारत तिब्बत सीमा पुलिस IDBP के जाबाज कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं। हिमवीर यहां -15 डिग्री तापमान में प्रशिक्षण लेकर युद्ध के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने में गुर सीख रहे हैं। ओली में ITBP का प्रशिक्षण केंद्र है। लोकसभा आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में तैनात और पिछले 4 साल में एक ही जिले में 3 साल में तैनात अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी कांग्रेस में चुनी गई पहली हिंदू महिला गबार्ड ने कहा कि हिंदू अमेरिकी सदस्य होने पर मुझे गर्व है। भारतीय गणतंत्र दिवस पर लंदन में अलगाववादी समूहों द्वारा तिरंगा जलाए जाने की घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार ने खेद जताया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भारत में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही उनका देश उससे शांति वार्ता बहाल करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार से बड़े फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी प्रचार मुहिम शुरू करते हुए ट्रंप की नीतियों की जोरदार आलोचना की। अमेरिका ने रूस के दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी और उससे जुड़ी अन्य 2 कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 50 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल से भारत शराब की तस्करी करता था। यूपी के बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 जनवरी को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यूपी के हापुड़ में पश्चिमी प्रभु जनसम्मेलन में बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा ने शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
मथुरा में पुलिस ने लूटपाट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की कई चीजें बरामद की। यूपी के चमोहा में समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने अपने फॉर्म जमा करवाए। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा पर हुई सीबीआई रेड पर हुड्डा ने कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध से किया जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान पुलिस और कुछ बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सहारनपुर में पुलिस भर्ती की परीक्षा के बाद सड़कों पर परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में छात्र परीक्षार्थी परीक्षा देने आए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 दर्जन झुग्गियां जलकर राख हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बैंक चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूट के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया और इस आरोपी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। अमरोह के हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में पायलट को इस हादसे में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और ये विमान कुशीनगर के ग्रामीण हिस्से में खेतों में जाकर गिरा। सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने एक जन चेतना चौपाल का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में सपा के प्रदेश सचिव कमाल खान ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक होगी। राजधानी लखनऊ के बाहर कैबिनेट की ये पहली बैठक बताई जा रही है। ऐसे में संभावना यही है कि रूटीन के लंबित मामलों के साथ सरकार अपने सांस्कृतिक और सरोकारों से जुड़े एजेंडे पर केंद्रित कुछ नीतिगत फैसले और ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना के तहत अब 51,000 रुपये देने की घोषणा की है। पहले 35,000 रुपये दिए जाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाने आ सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद राजनीति में कदम रखने वाली प्रियंका संगम में डुबकी लगाकर अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर सकती है। लखनऊ में बच्चों के खेलने के लिए गोमती रिवर फ्रंट पर एलडीए नया किड्स प्ले जोन बनाएगा और साथ ही करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए कर नए झूले खेलने के लिए नए उपकरण और खुला मैदान विकसित किया जाएगा। और अब रुख करेंगे पंजाब और हरियाणा की खबरों का। पंजाब के बटाला में पुलिस ने गैंगस्टर हरप्रीत को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के दौरे पर हैं। सीएम ने जिन मतदान पर लोगों से की अपील, जो लोग घर से नहीं निकले वे बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। यमुनानगर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पंजाब के जींद में चेकिंग के दौरान एक कार से 16,02,610 रुपये बरामद किए गए, जहां चुनावों के मद्देनजर जींद कोर्ट मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। पंजाब पुलिस ने बेजर कार सवार 4 युवकों को हिरासत में ले लिया, जहां चारों आरोपी पैसों का हिसाब नहीं दे पाए। बठिंडा में पंजाब सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारी विजय कुमार ने घोड़े पर बैठकर नकली नोटों को उड़ाया। प्रदर्शनकारी विजय कुमार ने कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध जताया। हरियाणा के भिवानी में इसमें महिला और 2 बच्चों के शव मिलने का मामला सुलझ गया है, जहां 3 की हत्याएं अवैध संबंधों के चलते की गई थी। मृतक महिला असम की रहने वाली थी और मरने वाली उसकी बेटियां थी। वह एमसी कॉलोनी में रहती थी और करीब 2.5 साल पहले आई थी। कैथल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी युवक पर अवैध शराब का व्यापार करने का आरोप है। पंजाब के अमृतसर में बीआरटीएस की बस सर्विस का नवजोत सिंह सिद्धू ने उद्घाटन किया। सिद्धू ने कहा कि यात्रियों को जल्द इस बसों की सर्विस मिलेगी। मोगा में दहेज की मांग से परेशान एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला में नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन से भी मुलाकात की। पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ऑफिसर लवनीत कौर लगातार चारों ओर साफ सफाया कर रही है। पुलिस ऑफिसर ने एक महीने में तीसरी बार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। मोगा में पंजाब के पशुपालन मंत्री ने लाला लाजपत राय की जन्मस्थली पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। और अब एक नजर डालेंगे बिहार और झारखंड की खबरों पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैया प्रखंड की राजकुमारी देवी उस किसान चाची को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। झारखंड के रामगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में 24 साल के युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित जन आकांक्षा रैली के मद्देनजर पार्टी के रोड शो में बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के शामिल होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, प्रियंका गांधी अभी बच्ची है, अगर कांग्रेस पीएम मोदी के साथ प्रतिपक्ष करना चाहती है तो उसे सोनिया गांधी को मैदान में उतारना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाश को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी की और साथ ही पुलिस ने दो गाड़ियों से हथियार बरामद किए और सात अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहार के पटना में मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी बच्ची हैं, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लड़ाई करना चाहती हैं तो उसे सोनिया गांधी को मैदान में उतारना चाहिए। चंपाकरण में लकड़ी के तस्करों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और इस हमले में सुरक्षा बलों के दो जवानों की मौत हो गई। पटना के गांधी मैदान में आगामी 3 मार्च को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बड़ी रैली होगी और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। देवास में सर्वधर्म समाज अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आंदोलन करेगा और साथ ही सीएम आवास का घेराव भी करेगा। मंडला में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गांव वालों के पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरवा में एसडीएम की ओर कार्रवाई के आदेश देने के बावजूद अवैध खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया धड़ल्ले से इलाके में अवैध खनन कर रहा है। सिवनी में 2 गुटों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शासन की ओर से नियुक्त कमेटी के काम शुरू कर दिया गया है। और अब वक्त हो गया है महाराष्ट्र और गुजरात की खबरों का। गुजरात के बनासकांठा में एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाकर टकरा गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दाहोद में ससुराल वालों ने महिला को पीट पीट कर उसके सिर के बाल काट दिए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूरत में चोरों ने एक दुकान से लाखों की लूट कर फरार हो गए। सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। धोराजी में एक कार चालक और बाइक चालक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूरत में एक करोड़पति की 22 साल की बेटी ने दीक्षा ली और इसी दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और अब नजर डालेंगे कारोबार की खबरों पर। शेयर बाजार भी भारी नुकसान के साथ सेंसेक्स 659 अंक गिरकर 35,000 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी के क्लोजिंग 119 पॉइंट की गिरावट के साथ 10,662 पर हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजार से जनवरी में करीब 6,000 करोड़ रुपए की निकासी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी एफपीआई की निकासी जारी रहेगी। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 140 रुपए की छलांग लगाकर 33,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
जबकि चांदी हालांकि 50 रुपए फिसलकर 40,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2019 के आखिर तक ऐसी व्यवस्था लाने पर कहा जा रहा है जिससे आप सेटअप बॉक्स में भी अपनी मर्जी की कंपनी का कार्ड लगा पाएंगे। और अब नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेह में आईटीबीपी और सेना के जवानों के बीच आईएस हॉकी का खेल हुआ और सेना को हराते हुए आईटीबीपी के जवानों के आईएस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। वहीं स्थानीय लोग भी आईटीबीपी के जवानों के इस मैच को देखने में भारी संख्या में पहुंचे और मैच के दौरान लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा था। पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी घाटी का दौरा करने के लिए भारत पहुंचा। बताया जा रहा है कि सिंधु जल समझौता के तहत यह आवश्यक है। लद्दाख में हिमस्खलन में मारे गए 10 लोगों के शवों को फायर एंड फ्री कॉर्प्स ने निकाला और वहीं भारतीय सेना ने शिक्षा मिलने के बाद बचाव कार्य शुरू किया। कठुआ में वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। और अब नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के ओली में 11,000 फीट की ऊंचाई पर आईडीबीपी के जवान ठंड को मात देते हुए मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। भारत चीन सरहद पर चीन जब जब घुसपैठ करता है तो वह घुसपैठ के दौरान फेस ऑफ करने की कोशिश करता है, इसका जवाब आईटीबीपी के खास कमांडो देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। चकराता में घूमने आए दिल्ली में एक युवती समेत 4 पर्यटकों को भारी बर्फबारी के कारण लोखंडी के पास कार समेत पिछले 7 दिनों में फंसे हैं। पर्यटकों ने प्रशासन से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई। उत्तराखंड के नैनीताल समेत मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई तो वहीं पर्यटकों के चेहरे पर छिपी लहरें। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की खबरों की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जायजा लिया। राहुल गांधी सीएसआईडीसी मैदान में होने वाली रैली में शामिल हुए और राहुल गांधी किसान आभार रैली में किसानों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी के बाद हिमखंड गिरने का खतरा पैदा हो गया है और इसके मद्देनजर 5 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पर्यटन नगरी मनाली का कुल्लू नगर मनाली के पास भूस्खलन के रास्ते बंद हो गए जिसकी वजह से राहगीरों के लिए भी खतरा है। चंबा में मेडिकल कॉलेज की जांच के बाद लौटाई गई गर्भवती महिला को 1.5 फीट बर्फ में बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद परिजनों से अस्पताल पर बंधक कर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। और अब बात करेंगे मनोरंजन और खेल की खबरों। आमिर खान के भाई अभिनेता फैजल खान को थिएटर के बाहर स्पॉट किया गया, साथ ही लोगों ने उनके साथ फोटो भी ली। जुहू में अभिनेत्री कृति सनन सोहो उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया जहां फैन ने उनके साथ सेल्फी भी ली। जुहू में अभिनेता अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर एक साथ स्पॉट किए गए जहां उन्होंने फैन से मुलाकात भी। आमिर खान के भाई अभिनेता फैजल खान को थिएटर के बाहर स्पॉट किया गया। जुहू में अभिनेत्री कृति सनन सोहो उनके घर के बाहर स्पॉट की गई जहां फैन ने उनके साथ सेल्फी भी ली। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में कीवियों के खिलाफ 10 साल बाद बायलैटरल वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया। माउंट में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करते ही भारत ने यह कारनामा कर दिया। भारत को कीवियों के खिलाफ न्यूजीलैंड में आखिरी वनडे सीरीज जीत 2009 में मिली थी। न्यूज़ 24 सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।